बता दें कार्तिक आर्यन की फिल्म सहजादा सिनेमा घरों में 17 फरवरी को रिलीज हो चुकी है। रिलीज के पहले दिन फिल्म का बॉक्स ऑफिस कम रहा, लेकिन अब धीरे धीरे सहजादा रफ्तार पकड़ती हुई नजर आ रही है। बता दें कि पठान को टक्कर देने में कार्तिक आर्यन की फिल्म काफी दूर है। जी हाँ, महाशिवरात्रि के मौके पर कार्तिक आर्यन की फिल्म देखने को फैंस की भीड़ मिली थी, जिसके चलते सहजादा के कलेक्शन में शनिवार को बढ़ोतरी हुई। लेकिन रोहित धवन द्वारा निर्देशित सहजादा एक तेलुगु फिल्म का रिमेक है। बता दें कि इसका पहले दिन का कलेक्शन 2.92 रहा, जबकि दूसरे दिन इस बॉक्स ऑफिस के आंकड़े में बढ़ोतरी हुई है। बता दें कि बॉक्स ऑफिस वर्ल्ड वाइड के अनुसार सहजादा ने 18% की ग्रोथ की है। दरअसल फिल्म ने रिलीज के दूसरे दिन 3.30 करोड़ की कमाई की, जो कि पहले दिन के मुकाबले ज्यादा है। वहीं महाशिवरात्रि के मौके पर फिल्म के कलेक्शन में उछाल देखने को मिला है। साथ ही वहीं ओवरऑल कमाई की बात करें तो सहजादा की दो दिन की कुल कमाई भारत में 12.25 करोड़ रुपए है।